राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश अनुसार वरिष्ठ समाजवादी नेता आजम खां के साथ हो रहे सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ रामपुर चलो का आह्वान किया गया। आज 1 अगस्त सुबह संभल के सभी समाजवादी पार्टी नेता, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी रामपुर नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए संभल जनपद की चारों सीमाओं की नाकेबंदी, जनपद की सीमाओं पर और समाजवादी के कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। जैसे ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान और सपा MLA नवाब इकबाल महमूद की गाड़ियों का काफिला रामपुर जाने के लिए निकला तो पुलिस ने काफिले को रोक लिया, जिसके बाद सपा MLA नवाब इकबाल धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने SP MLA और उनके काफिलों को हिरासत में ले लिया। क्या प्रोग्राम था सर आज आपका? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे जब से सरकार बनी है, जब से कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यार पुलिस मारी जा रही है, जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो मारे जा रहे हैं इस सरकार में। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठोक दो, अब बताओ ठोक दो या ठुक जाओ, क्या हो रहा है? तो बेचारे पुलिस वाले ठुक रहे हैं। तो जो हमारे रक्षाकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, जनता में तराई तराई मची है, 3 तलाक पे लड़ना है, जिससे इनका कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा सर, आपने पुतला भी फूका है, कि कौन सी सरकार का फूका? और कहो तो और 10 पुतले और फूक दें कल को, अगर जाति इसी तरीके से चली नहीं रुकेगी तो। अब कहां रुकी? सुकून रहा, आम जनता सुरक्षित रही, पुलिस सुरक्षित रही, हम तो सबके साथ हैं। सरकार तो पुलिस को आगे कर रही है, ले जाओ मर जाओ। जी सर, आज समाजवादियों का जो सर प्रदर्शन हुआ, उसे हिरासत में लिया गया है, सर क्या था सर पूरा मामला? ये आज तो है समाजवादी पार्टी के आह्वान से जो है धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। उसके बाद यहाँ पे संभल में जो है जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तथा सदर विधायक ये नेतृत्व में यहाँ जो है रोका गया, तो सबसे बैठे सबसे बैठे जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शहर में